बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। आज 22 नवंबर सन 2021 और पीर का दिन है और मैं आपको अपडेट देने के लिए इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 11D न्यू कराची की साइट पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकाम के मुताबिक शहर भर से फुटपाथों पर जितनी भी तजावीज़ात हैं उन सब का खात्मा किया जा रहा है। उस सिलसिले में ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में किए जा रहे हैं। तो आज मैं अपडेट देने के लिए आपको मौजूद हूं सेक्टर 11D नॉर्थ कराची। और इससे पहले मैंने आपको जो अपडेट दी थी वो सेक्टर 11L नॉर्थ कराची की थी। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं यहाँ के अपडेट और यहाँ के मनाजिर आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त एक शॉप है जिसकी पूरी ग्रीले फुटपाथ के ऊपर लगी हुई थी गेट नुमा, उसको डैमेज करके तोड़ के और उसको गेट को निकाला जा रहा है और ये तमाम चीज़ें जो है वो जब्त की जा रही हैं। KMC के अफसरान, पुलिस के अहलकार, तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं इस ऑपरेशन में। इससे पहले जो मैंने आपको अपडेट दी थी वो सेक्टर 11L की थी नॉर्थ कराची की, और ये है सेक्टर 11D न्यू कराची का एरिया। ये कराची डेयरी फार्म, इसके शेड को उतारा जा रहा है। जैसा कि आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े हुक्म जारी किया था कि शहर भर से जितनी भी तजावीज़ात हैं फुटपाथों पे उनका खात्मा किया जाए। इलाकों के अंदर जितनी भी हैं फुटपाथों पर, सर्विस रोडों पर, उन तमाम तजावीज़ात को ख़त्म किया जाए। तो ये तमाम मुहिम जो चल रही है ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक काम हो रहा है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। आप
से लोग जाए यहाँ से, यहाँ से निकालो, पैर निकालो, यहाँ से निकालो। ये फुटपाथ का पूरा एरिया घिरा हुआ था तजावीजात से, तो उसको क्लियर किया जा रहा है और सामान को जब्त किया जा रहा है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिफ्टर के ज़रिए ट्रकों में डाला जा रहा है। तो ये अपडेट थी नॉर्थ कराची सेक्टर 11D न्यू कराची से। तो यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।